हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मेरे इंग्लिश सीरीज में प्रोनाउन का पार्ट 5 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले प्रोनाउन के पार्ट 4 वीडियो लेक्चर में हमने पर्सनल प्रोनाउन के फर्स्ट 2 केसेस, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस को एग्जांपल्स के थ्रू समझा था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पर्सनल प्रोनाउन की थर्ड केस, पॉसेसिव केस को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, वी मूव टू आवर बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउन विद एग्जांपल्स। सो आज मेरा टॉपिक पॉसेसिव प्रोनाउन विद एग्जांपल्स है। मींस आज हम पॉसेसिव प्रोनाउन को एग्जांपल्स के थ्रू समझने वाले हैं। सो इससे पहले वीडियो लेक्चर पार्ट 3 वीडियो लेक्चर में हमने ये पर्सनल प्रोनाउन की 3 केसेस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉसेसिव केस को एक साथ जान चुके हैं, जिसमें मैंने आपको थ्योरी में ज्यादा फोकस किया था और मैंने वहां पर कम से कम एग्जांपल दिए थे क्योंकि वो वीडियो लेंदी हो जाता। तो इसलिए मैं इन सभी 3 केसेस के सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस का मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया है। और थर्ड केस बचती है जो है आपकी पॉजिटिव केस, उसको मैं वीडियो लेक्चर आज लेके आई हूँ। सो पॉजिटिव केस, हाँ, अब मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि पॉजिटिव केस जो होती है वो क्या होती है। पॉजिटिव हमने केस भी बोल सकते हैं, प्रोनाउन भी कह सकते हैं। और पहली बात ये भी बता दूं कि अगर आपको जहां जहां पॉइंट अच्छे लगे वहां पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप बाद में भूल भी सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पॉजिटिव जो मना है वो पजेशन से मना है, ये वर्ड जो मना है वो पजेशन से मना है। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? दे शो अ पजेशन, वो क्या करते हैं? वो शो करते हैं पजेशन। पजेशन मीन्स यह आपका है, ये हमारा है, ये बुक हमारी है, ये हमारी बुक है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ? अपना पजेशन शो कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो अपना पजेशन शो कर रहे हैं, उसी टाइप से हमने पजेसिव प्रोनाउन का यूज करा। सो अधिकार जहां भी आप शो करें वहां पर आपका होगा पजेसिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं अधिकार शो करने के टाइप में, मतलब आप अपना पजेशन 2 टाइप से शो कर सकते हैं। वो कौन कौन से है? एज एडजेक्टिव एंड एज अ प्रोनाउन, मीन्स एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन और प्रोनाउन पजेसिव। यहाँ पर आप 2 टाइप से अपना पजेशन शो कर सकते हैं। एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन एडजेक्टिव से मना है, मीन्स यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज होगा प्रोनाउन, पर ये एडजेक्टिव नहीं होंगे, ये एडजेक्टिव नहीं होंगे, बट एज एडजेक्टिव यूज होंगे। और ऐसे एडजेक्टिव मीन्स कैसे यूज होंगे? क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। और किसके लिए होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? नाउन के होते हैं। तो नाउन क्या होता है? इनके बाद आता है। एडजेक्टिव के क्या होते हैं? बाद आता है। और जो आपके जो ये प्रोनाउन होंगे वो नाउन के पहले आएंगे। सो उसी टाइप से हम प्रोनाउन पॉजिटिव में आते हैं। प्रोनाउन पॉजिटिव एज ए प्रोनाउन यूज होंगे, मीन्स यहाँ पर ऐसे एडजेक्टिव नहीं यूज होंगे, ये इनके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, इनके पहले आएगा नाउन, या इनके बाद नाउन नहीं आएगा, ये याद रखना है। तो उसी टाइप से मतलब एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन का उल्टा होता है प्रोनाउन पॉजिटिव। अब हम एग्जांपल्स में आते हैं। एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन के कौन कौन से एग्जांपल है? माय, आर, हिज, हर, देयर, योर्स। ओके, ये है आपके एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये जो है माय, आर, हिज, हर, देयर, योर, ये सब आपके एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन है। ना हम आते हैं प्रोनाउन पॉजिटिव। प्रोनाउन पॉजिटिव क्या है? अब है आपका माय, आर, हिज, हर्स, देयर, योर्स, ये सब आपके हैं प्रोनाउन पॉजिटिव के एग्जांपल्स। सो अब हम सेंटेंस एग्जांपल में आते हैं। माय का एग्जांपल देती हूँ और माइन को भी देते हैं। तो दिस इज माय बुक, दिस इज माय बुक में बुक क्या है? एक नाउन है। और ये माय जो है वो एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये मैंने कैसे पहचाना? क्योंकि एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं। तो ये जो प्रोनाउन है वो नाउन के क्या आ रहा है? पहले आ रहा है, पर ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन के पहले आ रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन है। ऐसे एडजेक्टिव यूज होते हैं और ये पॉजिटिव मतलब ये एडजेक्टिव नहीं होते हैं, बट ये नाउन के पहले आएंगे और नाउन इनके बाद आएगा। सो बुक इज अ नाउन हियर, यहाँ पर क्या है? नाउन एक बुक है और माय जो है वो एडजेक्टिव पॉजिटिव प्रोनाउन है। उसके बाद आता है दिस बुक इज माइन, यहाँ पर क्या हो गया? सेंटेंस उल्टा हो गया और माय का माइन बन गया। तो यहाँ पर जो माइन यूज हुआ है वो एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। ओके, एज ए प्रोनाउन यूज हुआ है। और यहाँ पर माय जो है वो सिंगुलर हो रहा है और माइन जो है वो भी सिंगुलर होता है। बट यहाँ पर आप देखिए, एज ए प्रोनाउन यूज करते समय हमने बुक को क्या कर दिया? नाउन के मतलब एडजेक्टिव ये प्रोनाउन के पहले रख दिया, इसके बाद नहीं आया नाउन, इसके बाद नहीं आया नाउन,
बुक जो है वो नाउन है, तो ये किसके किसके पहले आएगी? ये हमारे माइंड के पहले आएगी, जो है एक पजेसिव प्रोनाउन, मींस प्रोनाउन पजेसिव। सो इस टाइप से हमने पहले सेंटेंस को समझा। अब हम सेकंड सेंटेंस में आते हैं, जो है दैट इज आर हाउस, वो हमारा घर है। यहाँ पर हमारा घर में जो आर जो है वो है एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है, मींस एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है, पर ये एडजेक्टिव यूज मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है। बट हाउस जो है वो एक यहाँ पर नाउन है, और नाउन मैंने कैसे पहचाना कि आर जो है वो एक एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है? क्योंकि आर जो है वो नाउन के पहले आ रहा है। तो हमने देखा था कि वो प्रोनाउन जो नाउन के पहले आते हैं वो है आपके एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन। और क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो जो ऐसे नाउन जो प्रोनाउन के बाद आते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन? तो उसी टाइप से मैंने यहाँ पर पहचाना। अब हम प्रोनाउन पजेसिव की लिस्ट में आते हैं, जो है दैट हाउस इज आर्स, इसका उल्टा हुआ है सेंटेंस का और आर के बाद एस लग गया है वहां। कोई लोग क्या होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होता है उनको पहचानना। क्या होता है कि वो आर्स को क्या समझते हैं, प्लूरल समझते हैं, आर का प्लूरल समझते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वो प्रोनाउन पजेसिव की लिस्ट में आता है, तो थोड़ा सा उसको अलग करने के लिए हम उसमें एस लगा देते हैं। तो उसी टाइप से ऐसा मत समझना कि ये जो है वो आर का प्लूरल है, प्लूरल नहीं है, ये है आपका प्रोनाउन पजेसिव, ये कोई भी प्लूरल नहीं है किसी भी प्रोनाउन का। सो दैट हाउस इज आर्स, में हाउस जो है वो एक नाउन है और आर जो है वो प्रोनाउन पजेसिव है। अब मैंने कैसे पहचाना, दोबारा बता देती हूँ, क्योंकि जो आपका नाउन है वो प्रोनाउन के पहले आ रहा है, और हमने जाना था कि जो प्रोनाउन जो ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के बाद आता है या नाउन उनके पहले आता है वो होता है आपके प्रोनाउन पजेसिव। ओके, अब हम आते हैं थर्ड में, जो है आपका दिस इज हिज शर्ट, ये उसकी शर्ट है, यहाँ पर उसकी शर्ट है। यहाँ पर शर्ट जो है वो एक आपका नाउन है और हिज जो है वो एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है। ये मैंने इसलिए जाना क्योंकि पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। हाँ, प्लूरल के लिए यूज होता है, ये दोनों प्लूरल के लिए होते हैं, आर और आर्स दोनों अपने अपने ग्रुप के लिए प्लूरल के लिए यूज होते हैं। और उसी टाइप से हिज, हिज क्या है, एक सिंगुलर है, और यहाँ पर जो प्रोनाउन पजेसिव है वहां भी हिज आता है, उसकी जगह में कोई भी रिप्लेस करना वो हिज इज ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर हिज ही होता है और ये सिंगुलर होते हैं। अब इनकी सेंटेंस आते हैं, दिस इज हिज शर्ट, ये उसकी शर्ट है। यहाँ पर शर्ट जो है वो एक टाइप से नाउन है और जो शर्ट है वो एक ही है। ओके, यहाँ पर हिज जो है वो कैसी है, ये कौन सा प्रोनाउन है, एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद आ रहा है नाउन, हिज के बाद आ रहा है नाउन, इसलिए हमने समझा कि हिज जो है वो एक एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है। और उसी टाइप से अब हम उल्टे वाले सेंटेंस में आते हैं, जो है आपका प्रोनाउन पजेसिव, दिस शर्ट इज हिज, यहाँ पर सेंटेंस का उल्टा हो गया। ओके, यहाँ पर उल्टा हो गया सेंटेंस का, जो है दिस शर्ट इज हिज, अब हिज क्या है, आपका प्रोनाउन पजेसिव है। और मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि हिज जो है वो नाउन के बाद आ रहा है या नाउन इनके पहले आ रहा है। तो हमने जाना था एक ऐसे प्रोनाउन जिनके बाद मतलब जिनके पहले नाउन आता है या नाउन इनके बाद आता है वो होता है उनके प्रोनाउन पजेसिव। आप दोनों लैंग्वेजेस से अपने सूट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ये ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के बाद आते हैं वो होते हैं आपके एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन, या मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के पहले आते हैं वो होते हैं आपके एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन। सो इसी टाइप से मैंने दो लैंग्वेजेस बनाई, आप उसमें से कोई भी ले सकते हैं जिससे आप कैच कर सकें कि इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं, जो है आपका दिस इज हर पेन, ये उसकी पेन है। यहाँ पर हर जो है वो एक सिंगुलर है और हर के बाद आ रहा है नाउन, नाउन उसके बाद आ रहा है, तो सीधे समझ लीजिए कि हर जो है वो एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन की लिस्ट में आता है। नाउन उसके बाद आता है दिस पेन इज हर्स, यहाँ पर ये क्या इसका हिंदी मीनिंग क्या है, ये पेन उसकी है। यहाँ पर क्या हुआ, हर्स जो है वो नाउन के बाद आ रहा है, मींस नाउन इनके पहले आ रहा है, तो सीधे समझ जाइए कि हर्स जो है वो प्रोनाउन पजेसिव का एग्जांपल है। नाउ उसके बाद आते हैं हम दोज आर देयर पेट्स, वो पेट उनके है। यहाँ पर देयर्स जो है वो सिंगुलर के लिए यूज नहीं हो रहा है, ये प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, और यहाँ पर पेट्स जो है वो एक से ज्यादा है। ओके, एक से ज्यादा है, सो दोज आर देयर पेट्स, यहाँ पर देयर जो है वो किसके पहले आ रहा है,
वो किसके पहले आ रहा है? नाउन के पहले आ रहा है या नाउन इनके बाद आ रहा है? सीधे समझ जाइए कि ये जो है वो एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन की लिस्ट में आता है। फिर उसके बाद आते हैं हम प्रोनाउन पजेसिव की लिस्ट में, जो है आपका सेंटेंस दोस पेट्स आर देयर, वो पेट उनके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा हो गया इस सेंटेंस का। दोस पेट्स आर देयर में पेट्स जो है वो नाउन के मतलब प्रोनाउन के पहले आ रहा है और जो प्रोनाउन है वो इनके बाद आ रहा है। तो सीधे समझ जाइए कि जो देयर्स है वो प्रोनाउन के, वो प्रोनाउन पजेसिव की लिस्ट में आता है। सो नाउ सेकंड लास्ट एग्जांपल, दैट इज दिस इज योर चॉकलेट, ये आपकी चॉकलेट है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, योर जो है वो सिंगुलर प्लूरल बोथ होता है, सेकंड ग्रुप के लिए भी जो है प्रोनाउन पजेसिव। और यहाँ पर अगर आपके सामने दो लोग खड़े हैं तब से आप कहेंगे कि ये आपकी चॉकलेट है, तब भी आप योर का ही यूज करेंगे, या टू से भी ज्यादा, 100 हो, 500 हो, जितने भी लोग हो आप उसके लिए योर का ही यूज करेंगे। इसका आप हिंदी में तेरी भी कह सकते हैं। ओके, ये तेरी चॉकलेट है। ओके, ये सिंगुलर प्लूरल बोथ के लिए यूज होता है योर। तो यहाँ पर जितने भी आपको वर्ड्स में मतलब जितने भी आपको मैन मिले आप उनके लिए, वुमेन्स उनके लिए आप क्या करेंगे, योर का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर अब क्या है, योर जो है वो एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है। मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि योर जो है वो नाउन के पहले आ रहा है, और वी कैन से दैट प्रोनाउन जो है वो नाउन के जो प्रोनाउन है वो नाउन के पहले आ रहा है, ये नाउन इनके बाद आ रहा है। तो वी कैन से योर जो है वो एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि हमने एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन के बारे में यही समझा है। नाउ इसके हिसाब से नेक्स्ट प्रोनाउन पजेसिव का जो वो ग्रुप में इसी का एग्जांपल है, दिस चॉकलेट इज योर्स, ये चॉकलेट आपकी है। यहाँ पर योर सिंगुलर प्लूरल बोथ के लिए यूज हो रहा है, हमको पता नहीं चलेगा कि ये सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। अगर आपके सामने टू, मैंने आपको पहले भी बता चुकी है, जितने भी मैन वुमेन्स खड़ी हो आप उनके लिए क्या यूज करेंगे, योर्स ही यूज करेंगे। नाउ हमने कैसे पहचाना कि योर्स जो है वो एक प्रोनाउन पजेसिव है, प्रोनाउन पजेसिव का एग्जांपल है, क्योंकि इसके बाद आ रहा है, ये किसके बाद आ रहा है, नाउन के बाद आ रहा है, और वी कैन से दैट नाउन इनके पहले आ रहा है। सो इसलिए हमने पहचाना कि योर्स जो है वो प्रोनाउन पजेसिव का एग्जांपल है। और एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि यहाँ पर जो है आर्स, हर्स, देयर्स, योर्स, ये इन सभी प्रोनाउन का प्लूरल नहीं है। आर, हर, देयर, योर, इन सभी के प्लूरल नहीं है प्रोनाउन किसी के। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अपना पोजीशन शो करने का टाइप है। आप बिना नाउन के या नाउन को उनको पहले लगा के यूज करना चाहते हैं प्रोनाउन्स को, तब आप प्रोनाउन पजेसिव का यूज करते हैं आर्स, हर्स, देयर्स, योर्स लगा के। अब हम लास्ट में आते हैं सेवेंथ एग्जांपल में, जो है आपका आई लाइक इट्स हैट, मैं उसके हैट को पसंद करती हूँ। यहाँ पर इट्स जो है वो है आपका एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। और यहाँ पर मैंने कैसे पहचाना कि ये एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है, बिकॉज फ्रेंड्स क्योंकि ये नाउन के पहले आ रहा है, या और वी कैन से दैट नाउन इनके बाद आ रहा है, तो इट्स जो है वो एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है। सेवेंथ एग्जांपल के आगे मैंने क्रॉस लगाया है, जिसका मीनिंग है कि इसका सेंटेंस नहीं होता है यहाँ पर, इसका कोई यहाँ पर ग्रुप में इट्स नहीं होता है और इसका कोई सेंटेंस भी नहीं बनता है। नाउ हम आप देख सकते हैं, मैंने माय के आगे माइंड लिखा है, आर के आगे आर्ट्स लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? अगर आपको कहीं भी एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन का सेंटेंस बनाना है और आर है, तो वहां पर आप माय का यूज करेंगे। और उसी की जगह पर अगर आप प्रोनाउन को क्या करना चाहते हैं, पहले लगाना चाहते हैं, नाउन को इस प्रोनाउन के बाद नहीं लगाना चाहते, तो वहां पर आप यूज करेंगे माय का। उसी टाइप से आर का यूज करेंगे, आर के इसके लिए आर का मीनिंग क्या होता है, हमारा। तो आर जो है वो आप प्लूरल के लिए यूज करेंगे, प्लूरल के लिए यूज करेंगे और हमार। तो यहाँ पर आर एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि एज ए एडजेक्टिव यूज हो गए सेंटेंस में। और अगर आपको नाउन को बाद में लगाना है, इनके बाद लगाना है, सो आपको यहाँ पर यूज करने पड़ेगा आर का। और अगर आपको नाउन को पहले लगाना है या नाउन को उसके बाद नहीं लगाना है, तब आप यूज करेंगे आर्स का। उसी टाइप से हिस में अगर आप उसी टाइप से नाउन को बाद लगाना चाहते हैं, तब आप हिस का यूज करेंगे, या प्रोनाउन को अगर आप पहले लगाना चाहते हैं तब भी आप हिस का यूज करेंगे। उसी टाइप से ये हिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है और आर जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है। उसी टाइप से हिज जो है, नेक्स्ट हिज जो प्रोनाउन पजेसिव में यूज होता है, अगर आप नाउन को
वो उसके पहले लगाना चाहते हैं या प्रोनाउन को बाद लगाना चाहते हैं, उसके बाद कोई भी नाउन नहीं लगाना चाहते, तो उसके के लिए आप यूज करेंगे हिज का ही। उसी टाइप से हर, हर्स, उसी टाइप से हर जो है, अगर आप चाहते हैं कि नाउन उनके बाद आए तो नाउन उसके लिए आप हर का यूज करेंगे। उसी टाइप से हर, देयर, देयर्स, देन द, योर, योर्स, ये सब आप यूज करेंगे। तो आई होप आपको पॉजिटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको ये पॉजिटिव प्रोनाउन को एग्जांपल के थ्रू समझना पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में थोड़ी सी मेहनत दिखी हो, तो फ्रेंड्स प्लीज 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 इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे भी आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल पाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।